Subscribe and hit the bell icon to never miss an update from eTimes TV. मैं अभी सबको पसंद कर रही हूँ क्योंकि अभी सबकी पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स थोड़े थोड़े बाहर आने शुरू होंगे. इट्स टू अर्ली टू हैव अ फेवरेट. सी ऐसे मेरे कोई नॉन फ्रेंड्स तो गए नहीं हैं, बट आई नो जय, आई वर्क विद जय एंड आई रियली वॉन्ट हिम टू डू वेल एंड आई विश हिम ऑल द बेस्ट. यस मैं देख रही हूँ कि इट्स हर जगह है और हर किसी की अपनी ओपिनियन भी है उनके बारे में, पर ये उन दोनों की जर्नी है जो उन दोनों को जीनी है उस घर में, जिस घर में जीना बहुत मुश्किल होता है और वो उसे जिस तरीके से जीना चाहते हैं उसे उस तरीके से जीना चाहिए. एंड इट्स लुकिंग क्यूट, लाइक इट्स देयर जर्नी. एंड जजमेंट्स देना किसी के इमोशंस और फीलिंग्स के बारे में बहुत गलत है. जब बहुत सारे लोग होते हैं ना, ये एक ह्यूमन नेचर है, जितने लोग होते हैं उतनी उनकी ओपिनियन होती है, सबकी एक अलग पर्सनालिटी होती है, तो जब उनमें क्लैश होता है तो अग्रीमेंट्स डिसएग्रीमेंट्स होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं. किसी की ओवरपावरिंग पर्सनालिटी होती है, किसी की थोड़ी सी वीकर होती है. फॉर एग्जांपल जॉइंट फैमिलीज में जो लोग रहे होंगे, आई एम श्योर उन्होंने झगड़े देखे होंगे, काफ़ी झगड़े होते हैं. तो इट्स सेम, आप उसे जॉइंट फैमिली समझ लीजिए कि अलग अलग पर्सनालिटीज़ के लोग हैं, आपस में क्लैश करती है, ओपिनियंस टास्क होते हैं, दे आर फाइटिंग फॉर सर्वाइवल एवरी डे. तो झगड़े बहुत नॉर्मल चीज़ है, कोई कॉपी पेस्ट नहीं है. मैं किसी को नहीं डांटूंगी क्योंकि मैं खुद वो जर्नी जी चुकी हूँ. डांटने से किसी को कुछ समझ नहीं आएगा, ऑलरेडी उस घर में सब संघर्ष ही कर रहे होते हैं एक तरीके से. और व्हेन अ पर्सन इज़ गोइंग थ्रू अ बैड टाइम, दे नीड गाइडेंस, दे नीड सपोर्ट, दे नीड कम्फर्ट. डांटने से उनका कोई भला नहीं होगा और मेरा भी नहीं होगा. सो आई वुड नेवर वांट टू स्कोल्ड एनीबडी.